प्रातः क्लास चल रहा था 14/7/1965 चौथे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस देखो कैसी नंबर वन है और ये किसकी कॉन्फ्रेंस है, जीवात्माओं की और परमपिता परमात्मा की। परमपिता परमात्मा निराकार है और वो तो जीवात्मा है, वो निराकार है, वो भी आकर जीवात्मा बनता है। देखो जीव में प्रवेश करती है ना, वो कहते भी हैं पराए जीव में प्रवेश करता हूं, नहीं तो मैं कैसे बैठ इनके इनको अपना परिचय दूं और सारी रचना के आदि मध्यंत का राज सुनाऊं, त्रिकालदर्शी बनाऊं, सुदर्शन चक्रधारी बनाऊं। देखो तुम जानती हो कि अभी हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, दुनिया की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता कि ये ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य थोड़े ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। मनुष्य सुदर्शन चक्रधारी नहीं बनते हैं तो क्या बनते हैं? है ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं या मनुष्य सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं? क्यों मनुष्य क्यों नहीं बनते? मनुष्यों का मन चंचल होता है, ब्राह्मण संपूर्ण वो जिसका मन एकाग्र हो जाए, एकाग्र मन स्वचिंतन करेगा या परचिंतन करेगा? है स्वचिंतन करेगा, तो मनुष्य नहीं सुदर्शन चक्रधारी बन सकते। वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी तो विष्णु बनते हैं, विष्णु के साथ फिर कृष्ण को भी चक्र दे देते हैं, क्योंकि गीता में उनका नाम डाल दिया है। नहीं तो उनके लिए चक्र की कोई बात नहीं है। 14/7/1965 की वाणी का 5वां पेज, तो तुमको ही बैठ करके मैं षष्ठी के आदि मध्यंत का या षष्ठी चक्र का राज्य समझाता हूं। तो ये देखो कॉन्फ्रेंस कितनी फर्स्ट क्लास है, उनको लिख देना कि भाई ये जो तुम्हारी कॉन्फ्रेंसेस हैं वो सभी भरतनाट्यम पहनी है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। अरे आत्मा और परमात्मा की, यानी जीवात्मा और परमात्मा की, वो परमात्मा खुद याद करते, जीवात्मा याद करती परमात्मा को।
और वो आएगा सो भी जीव में आएगा। जीव में नहीं आए तो बोल कैसे सकेंगे? तो कॉन्फ्रेंस सबसे अच्छी ये, जो परमपिता परमात्मा आकर के सर्व को सदगति देते हैं, तो जरूर कॉन्फ्रेंस होती होगी ना। और पतित पावन की पतितों के साथ कॉन्फ्रेंस होगी ना, तब तो पतितों को पावन बनावेंगे। अभी कितनी सहज सहज बातें हैं समझने की और समझाने की। योग तो सबसे उत्तम से उत्तम है आत्माओं का परमात्मा से, सो भी आकर के खुद परमात्मा सिखलाते हैं कि माम एकम याद करो। देखो अभी है ना, यहां आकर के कहा है ना कि हे बच्चे, हे जीव की आत्माओं, मैं कहता हूं कि तुम अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा के साथ योग रखो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाए। यानी जबकि आत्माएं सभी परमात्मा से मिलती है, और जरूर परमात्मा जब आते हैं तो आत्माओं को इनहेरेंस देंगे, तो बरोबर इनहेरिटेंस सर्व का सदगति दाता, सर्व को सदगति या जीवन मुक्ति या मुक्ति देने वाला। जब तुम ये बातें सुनाएंगे तो समझेंगे तो सही ना, कि ये जो कहते हैं जरूर उनको वो ही समझाते हैं। और समझेगा कौन? और तो कोई किसी को ये बातें समझाते ही नहीं है। तुम कहां भी जाकर के ऐसी बातें बोलेंगे तो समझेंगे कि ये और तो कोई भी नहीं है, क्योंकि और तो कोई से भी ऐसी बातें सुनी ही नहीं, क्योंकि तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो। बाप आकर के सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, वो क्या लिखेंगे? शास्त्रों में लिखा है सेकंड में जीवन मुक्ति लिखा है, ऐसे तो और कोई को लिखने की दरकार ही नहीं। सेकंड की जीवन मुक्ति फिर बाकी तिक तिक शास्त्रों में होने की दरकार ही क्या है? बाप आते हैं, कालों का काल है, मां काल है, जानते हैं कि बरोबर सबको वापस ले जाते हैं, तो वो जब आएंगे यहां तब तो सबको वापस ले जाएंगी ना। और सबको वापस ले जाएंगे तो जरूर पावन बनाकर ले जाएंगे। देखो तुमको पावन बना रहे है ना, वो है ही पतित पावन। बरोबर जरूर कलयुग के अंत में सभी पतित है, और सतयुग के आदि में सभी पावन है, तो जरूर संगम में तो आता होगा ना। वो तो दिखलाई देते हैं युगे युगे कि हर युग में आते हैं, एक युग पूरा हो दूसरा आया,
ये संगम युग है और बाप आया हुआ है और हमारा कम्युनिकेशन अपने साथ लगाते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, खुद आकर के सिखलाते हैं और नहीं तो भला कौन सिखलाएगा। अपने साथ ये याद सिखलावे कौन? बाप कहते हैं मैं आता हूँ, साधारण तन में आता हूँ और फिर ब्राह्मणों के तन में। ब्राह्मण का तन कोई रखा हुआ नहीं है, ये कोई ब्राह्मण नहीं था। कौन है? कौन ब्राह्मण नहीं था? अरे जिसमें भी प्रवेश करते हैं, कोई ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण थोड़े ही होते हैं। भले अले असुल बड़े ब्राह्मण थे पर उनकी बात तो हो गई ना, ब्राह्मणपना तो छोड़ दिया ना, हम तो शूद्रपने में आ गए ना। तो आकर के जरूर ब्रह्मा द्वारा रचना रचनी है, तो ब्रह्मा उनको चाहिए जरूर। अब ब्रह्मा कोई ऊपर वाले को तो नहीं कहेंगे, ये ब्रह्मा कहां से आया? प्रजापिता तो जरूर वो ही होगा, क्योंकि फरिश्ते बनते हैं, पावन बनते हैं, तो इसको खुद कहते हैं कि मुझे पतित ब्रह्मा के तन में पधारते हैं। क्योंकि इसको ही कहा जाता है नंबर वन पावन, नंबर वन पतित। किसको? किसको कहा जाता है नंबर वन पावन, नंबर वन पतित? ब्रह्मा ही नंबर वन पावन, नंबर वन पतित है। तो ब्रह्मा ना 84 जन्म पूरा हुआ तो जरूर पतन में आएंगे, जो फिर फरिश्ता बनते हैं। तत्त्वम, तुम भी ऐसे ही बनते हो, ब्राह्मण सो देवता। बरोबर देखते हो कि पुरुषार्थ जो इनका जास्ती जाता है वह ऊंचा पद जाकर के लेते हैं, क्योंकि ये तो पढ़ाई है। तुम बच्चे समझते हो कि बरोबर जितना हम जिसको समझाएंगे, जिसका हम कल्याण करेंगे, क्योंकि तुम सभी कल्याणकारी हो गए ना, वो एक बाबा थोड़े ही कल्याणकारी है, एक बाबा थोड़े ही सर्व की सदगति करते हैं, मददगार तो चाहिए ना, खुदाई खिदमतगार भी तो चाहिए ना। तो देखो बाप की तुम खिदमत में हाजिर हो, ऑन गॉड 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 फादरली सर्विस, सो भी गॉड कौन सा, ऑन हेवनली गॉड फादरली सर्विस। ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं। अभी उसमें उस सतयुग स्थापन करने वाले भगवान की सर्विस में ये जरा डिफिकल्ट होता है अक्षर लिखना।
उनके अक्षर बड़े अच्छे हैं। भले वो हेवन में जाते नहीं है, कौन? अरे अंग्रेजी अक्षरों की बात हो रही थी ना, कौन हेवन में नहीं जाते हैं? अंग्रेज लोग हेवन में जाते नहीं हैं, तो भी गाते तो है ना कि हेवन स्थापन करने वाला वो तो गॉडफादर ही है। भले नहीं रहते हैं हेवन में, परंतु ये तो समझ में है कि हेवन या बहिष्ट है जरूर। 14/7/1965 की वाणी का छठा पेज। अच्छा, बहिष्ट में कोई मुसलमान थोड़े ही जाते हैं, वो पैराडाइज में कोई जाते थोड़े ही हैं। ये तो बुद्धि की बात है कि स्वर्ग ये भारत था, सतयुग पैराडाइज हेवन था, अभी हेल है। हेवन की स्थापना करने वाला सिवाय बाप के और कोई हो ही नहीं सकता है। तो हेवन और हेल, हेल और हेवन, तो जरूर जब ये हेल का अंत आएगा और हेवन की स्थापना हो तब तो बाप आए ना। तो बराबर तुम अभी जानते हो, समझाए सकते हो अच्छी तरह से, ये तो अभी पूरा हेल है एकदम, तो जरूर हेवन स्थापन करने वाला भी यही होना चाहिए, जरूर क्यों लगा दिया है? कि जब पूरा हेल बने तब ही भगवान आए, हेल को हेवन बनाने के लिए, क्योंकि उनको हेल में ही आना पड़ता है। जो यहां बैठ करके हेवन के लायक बनावे तो जरूर दोजख में तुम बैठे हुए हो, दोजख और बहिष्ट, दुनिया तो है ही दोजख में। उनको मालूम ही नहीं होता है कि कोई ऐसा कॉन्फ्लुएंस है, युग है, और ये बदलने वाला। अगर ये समझे कि कलयुग पूरा होता है तब तो फिर समझ आवे कि सतयुग आना है। ये वही कॉन्फ्लुएंस कल्याणकारी युग है, पर सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और तो कोई जानते ही नहीं है। क्यों? और दूसरे धर्म वाले क्यों नहीं जानते हैं? तुम बच्चे ही क्यों जान पाते हो? है कि तुम्हारे अंदर कल्प कल्पांतर के समझने के संस्कार भरे हुए हैं, और धर्म वाले तो अपने धर्म के पक्के हैं, इसलिए उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। हाँ, तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, नहीं तो कॉन्फ्लुएंस युग की बात सुनकर बहुत खुश होना चाहिए। अभी हम तो खग्गियां मारते हैं खुशी के मारे कि अभी हम तो गए कि गए। याद करते हैं तो याद से भी उसका फल तो मिलेगा ना। गाते हैं कि भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है,
अभी किस रूप में आते हैं वो इस बात में मुझ जाते हैं। तो समझते हैं कि कृष्ण रूप में आया, कृष्ण के रूप में तो साधारण नहीं हुआ, अरे कृष्ण तो बड़ा साधारण, वो तो तेजोमय बालक है और यहां तो सब काले लोग आयरनाइज्ड, यहां गोल्डनाइज्ड कहां से आए। बाप आकर समझाते हैं बच्चे मुझे आना ही होता है आयरन एज में या पतित दुनिया में पावन बनाने के लिए, तो भी तुम बच्चे जानते हो अभी तुम महिमा नहीं करते हो, तुम जानते हो कि बरोबर बाबा द्वारा मम्मा बाबा ज्ञान उठाते हैं, उन द्वारा हम भी उठाते हैं। क्या कहा है, मम्मा बाबा किसके द्वारा ज्ञान उठाते हैं, हैं? बाबा द्वारा। कौन सा बाबा? और ये भी तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते हैं, ये मम्मा बाबा भी नहीं जानते हैं। क्या कि हम किसके द्वारा ये ज्ञान उठाते हैं, किसके द्वारा? द्वारा मन में कोई मीडिया हुआ ना, तो किसके द्वारा उठाते हैं, हैं? ये मम्मा बाबा ज्ञान किसके द्वारा उठाते हैं? बाबा कहा, बाबा तो साकार निराकार के मेल को कहा जाता है, तो कोई यज्ञ के आदि में बाबा हुआ ना, उन द्वारा हम भी उठाते हैं। हम औरों को बैठ सिखलाते हैं, बस महिमा है नहीं कुछ, सिखलाने वालों की भी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि सिखलाने वाला तो एक है, कोई की महिमा नहीं है। अभी महिमा करना बंद, हम बैठे हैं देखते हैं, हमको सिखलाए रहे हैं, फिर हम महिमा क्या करें? महिमा तो भगत करते हैं ना, हम भगत तो ठहरे नहीं। जो कभी कोई किसको गुस्सा करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तुम तो भगत हो, जैसे कि तुम तो दुर्गति को पाए हुए हो। समझाए देते हैं, देखो मैंने तुमको गाली दी क्योंकि तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, छी छी काम किया, तुम तो भगत हो। भगत वो तो छी छी काम करते ही हैं। तुम बच्चों को जो ईश्वरीय संतान हो, तुमको तो कोई छी छी काम करना नहीं है, परंतु माया बहुत कराती है, बात मत पूछो। माया ऐसा मत्था मूड़ देती है, कैसा है,
ऐसा मत्था मोड़ देती है। जो ज्ञान की सारी जटाएं उड़ जाती हैं, माया चूहा अच्छे अच्छे बच्चों को चोरी कराती है, अच्छे अच्छे बच्चों से गंदा काम कराती है। माया तो बहुत कराती है ना गिराने के लिए, उनको समझ में नहीं आता है भाभी, उनके भाग्य में नहीं है। अरे भगवान नहीं समझता होगा। बाबा कहते हैं बाबा तो अंतर्यामी है, और ये बहरेयामी है। कौन है अंतर्यामी कौन है और ये कौन है जो बहरेयामी है? है ब्रह्मा बाबा बहरेयामी है और शिव बाबा अंतर्यामी है, पर मैं खुद भी समझ सकता हूं कि क्यों इनकी अवस्था ऐसी है, ये मैं जानता हूं कि ये बुरे कर्म बहुत करते रहते हैं। मैं नाम नहीं लेता हूं, नहीं तो मैं बोलता हूं अभी भी अच्छे अच्छे महारथी जो बाबा उनकी महिमा करते हैं वो भी गुप्त छिप छिप करके बुरे कर्म करते रहते हैं। खराब 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 काम, खराब कर्म उनको कहा जाता है। स्त्री होगी पुरुष होंगे उनको बाकी पहनेंगे, ये करेंगे प्यार करेंगे, छिप छिप करके करेंगे ताकि कोई देखे नहीं, ऐसे भी काम करते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा नाम नहीं लेते हैं, बहुत हैं, कोई छिप छिप कर चोरी करते हैं, कोई बुरा कर्म करते हैं, बहुत करते हैं छिप छिप करके, तो फिर उनकी अवस्था भी कुछ ऐसी ही रहती है। माया कराती तो रहेगी ना, जरूर कराती रहेगी, ये भी कोई वंडरफुल बात नहीं है। ये तो समझते हो कि माया जरूर कुछ न कुछ काम तो कराती है। देखो कितने आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती। अभी बाबा को तो मालूम पड़ता है, बाबा है इसमें प्रवेश हो करके आ करके किसको गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने से वो एकदम छूट जाते हैं। गुस्सा क्या, यानी उनको कहते हैं तुम बड़े नालायक हो, तुमको इतना सयाना समझा, तुम ये गंदे काम करते हो, क्योंकि वो मेरे सामने प्राइवेट आते हैं ना, हम तो उनको कहता हूं ना, यानी बाबा उनको सामने इन द्वारा कहते हैं कि तुम बुरा काम करते हो, तुमने ये किया ये किया, तुमको शर्म आना चाहिए। तो वो बाप को न समझे इनको समझ लेते हैं
किनको है, किसको ना समझ, किसको समझ लेते हैं है? सुप्रीम सोल अंतर्यामी शिव बाप को ना समझे, इस साकार को समझ लेते हैं। ये हमको ऐसे ऐसे कहता है, हमारी इंसल्ट करता है, फिर भाग जाते हैं। ये ब्रह्मा कुमारियां ही कोई किसको कुछ न कुछ कह देती है तो देखो रूट जाते हैं, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। 14/7/1965 की वाणी का 7वां पेज। इतनी बुद्धि नहीं कि क्या हम इनसे रूठे। अच्छा उनसे तो न रूठो ना, और सबसे रूठो, मम्मा बाबा से रूठो, परंतु बाप से तो न रूठे ना, तो रूठ जाते हैं। ब्रह्मा कुमारियों से तो बहुत रूठते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे तुम पढ़ाई क्यों छोड़ते हो, तुमको बाप को याद करना है, उनसे रूठा तो तुम बाप का भी नहीं याद कर पाओगे, पढ़ते भी नहीं हो, तो पॉइंट्स न पढ़ने से किसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी बाबा कह देते हैं कुछ भी हो भला ये तो समझाओ कि बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसे ही कहा था कि माम एकम याद करो, देह का भान छोड़ो, और आत्मा को कहा कि एक मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। अभी स्वर्ग के मालिक में तो फर्क हो गया ना, क्यों क्यों फर्क हो गया? अरे क्या बात चल रही थी, पढ़ंती सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे? ग्रेड नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? स्वर्ग में तो सभी जाते हैं, प्रजा भी कहेगी मैं स्वर्ग का मालिक हूं, यहां प्रजा कहती है मैं नरक का मालिक हूं। नरक नहीं कहते हैं, बड़ा भारत की मालिक हूं। अरे भारत भी तो अभी नरक है ना, अभी हम सब नरकवासी हैं, ये तो कोई भी नहीं जानते हैं, ऐसे दिल में ही नहीं आता है। कहते हैं हम पतित हैं, तो पतित माना नरक, तो किसको भी तुम कह दो नरकवासी हो। देखो मरते हैं तो कहते हैं भाई बैकुंठवासी हुआ, तो कहां का वासी था, नरकवासी था ना। अभी ऐसे अगर कहे तो बिगड़ पड़ते हैं, बड़े आदमी सभी इस समय में हैं तो नरकवासी ना, स्वर्ग में तो देवताओं का राज्य है ना, तो सब नरकवासी अभी हैं। जो भी हैं यहां साधु संत महात्मा ऋषि मुनि राजा रानियां कहां हैं, अभी नरक में है ना, राक्षस राज्य में है ना,
रावण राज्य में है ना, पतित भी है, इसीलिए तो कोई किसको कहो तो सही, पतित हो तो लड़ पड़े, घूसा मार देवे। तो ये है सभी समझ की बातें। बाबा तो जरूर कहेंगे ना, क्योंकि हम तो समझदार और बेसमझ बनते ही हैं। बाबा को तो बेसमझ और समझदार नहीं कहेंगे ना, बाबा तो सदैव समझदार है, हम बेसमझों को तो समझ अभी आई है। बाप आकर समझ देते हैं, खुद आकर कहते हैं कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। ऐसे बाप ही कहेंगे ना, देखो माया ने तुमको कितना बेसमझ बनाई दिया है। तो बाप बिगर ये अक्षर कोई कह नहीं सकता। देखो तुम स्वर्ग के मालिक थे, अरे भारतवासियों चलो सबको लगाए दो, अरे भारतवासियों तुम स्वर्ग के मालिक थे। किसको सबको लगाए दो? जो भी भारत के रहने वाले हैं, भारत में वास करने वाले हैं, उन सबको लगा दो, अरे भारतवासियों तुम स्वर्ग के मालिक थे। अरे कितने पदमपति थे, अभी कितने बेसमझ बन गए हो एकदम। तुम्हारी बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई है, कौड़ी मिसल हो गए हो। तो कौड़ी से हीरा वो तो गाया जाता है ना, हीरे जैसा जन्म मूलक सो हो गया कौड़ी जैसा। कैसे हो गया कौड़ी जैसा? अरे कौड़ी के पीछे मरते हो तो कौड़ी जैसा जन्म हुआ ना। अभी बाप आकर के कौड़ी जैसे ये जन्म से फिर अमोलक हीरे जैसा बनाए रहे हैं। गायन भी तो यहाँ के लिए ही है ना, क्या कहाँ के लिए गायन है? हीरे जैसा जन्मा मूलक कौड़ी बदले जाए रे। कौड़ी से हीरा कब बनता है? 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 संगम में, संगम 200 साल का है। अभी कौड़ी जैसा है या हीरे जैसा जन्म है? तो कब बनता है हीरे जैसा? है? अरे बोला ना, अभी बाप आकर के कौड़ी जैसे से फिर अमोल के हीरे जैसा बनाए रहे हैं। तो बाप आकर के बनाते हैं कि ब्रह्मा के तन में आए और चले गए, फिर अपने आप बनता रहता है, हैं? कि राम के द्वारा बनता है,
बनता तो राम के द्वारा है, मुकर्ररथ के द्वारा ही बनता है, परंतु बाप आते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, शिव जयंती मनाई जाती है, महाशिवरात्रि गाई जाती है, तब कौड़ी जैसा जन्म अमोल के हीरे जैसा बनता है। तो गायन कहाँ के लिए है, है? 36 के लिए है, 69 के लिए है, 76 के लिए है, या कहीं और के लिए है, है? जो बाप आकर के कौड़ी जैसा जन्म हीरे जैसा बना देते हैं, कहां के लिए गए हैं? जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, तभी के लिए गायन है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति, समझते भी हो बरोबर कि हम क्या और क्या बनेंगे। बस बाबा आकर के हमको याद से क्या बनाई देते हैं, इतना मालिक बनाई देते हैं। हम कल स्वर्ग के मालिक होंगे, ये तो खुशी होती है ना। एक दो को कह सकते हो ना कि देखो हम मिलकर के अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर, ऐसे कहेंगे ना कि श्रीमत पर हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, कहेंगे हैं? श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, या मनमत पर कर रहे हैं, या ब्रह्मा कुमारियों की मत पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या ब्रह्मा की मत पर कर रहे हैं? है ब्रह्मा को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहें, कह सकते हैं है? तो फिर श्रीमत क्यों कहा, किसकी मत? श्री की मत। तो स्वर्ग का स्थापन करने वाला मालिक भी तो जरूर मत देता होगा ना। भी क्यों लगा दिया है? भी एक के लिए लगाया जाता है या दो के लिए लगाया जाता है? है दो के लिए लगाया जाता है। तो जो निराकार बाप शिव है वो तो है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला, परंतु वो मालिक तो नहीं बनता है। तो बताया कि स्वर्ग का स्थापन करने वाला मालिक भी तो जरूर मत देगा ना। शिव बाबा भी मत देता है, शिव की आत्मा भी मत देती है, और स्वर्ग का मालिक बनने वाला भी मत देता है। वो भी तो लायक बनाएगा ना। तो तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर अपनी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हम फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे जहां दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। हम 21 जन्म के लिए दुख से छूट जाते हैं और सुखधाम में जाते हैं।
सुखधाम में जाते हैं तो हरेक को पुरुषार्थ करना चाहिए सुखधाम जाने के लिए। अरे भाई तुमने सुखधाम को याद किया क्या? भाई दुखधाम को भूलते जाओ तो जाएंगे सुखधाम में वाया शांति धाम में अपने स्वीट होम से। बाप के घर से हो करके फिर ससुर घर जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे करने से तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। अच्छा ओम शांति।